अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू सैंडविचेस। बारबेक्यू सैंडविचेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पैन में हमने हाफ के जी चिकन डाल दिया है। इसमें बोनलेस हमने चिकन ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर हम हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर चाहिए हमें हाफ टी स्पून। सॉल्ट हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ऑयल ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून। विनीगर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। सोया सॉस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें 2 सिप वाटर भी ऐड कर देंगे और इसे कुक करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा अच्छा सा कलर आएगा। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे ज़बरदस्त सा इसमें कलर आएगा, अच्छा भी लगेगा। अब ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम से हाई कर देंगे। 1/3 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम, ये पानी ड्राई होगा तो इसको हम फ्राई कर लेंगे चिकन को। फिर उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे ताकि हमारा चिकन जो है अच्छा सा टेंडर हो जाए। तो देखिए चिकन हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम 2-3 सिप वाटर ऐड कर देंगे और इसे टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए और हमारा चिकन भी टेंडर हो जाए। देखिए हमारा चिकन अच्छा सा टेंडर हो चुका है और इसमें जो हमारा पानी हमने ऐड किया था ये ड्राई होने वाला ही है, बस 2 से 3 मिनट हैं इसमें और 2 मिनट अराउंड। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अनियन जो हमने ऑमलेट कट कर ली है। आप चाहते हैं तो कैप्सिकम भी ऐड कर दें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमने बस अनियन ऐड की है, इसको हम इसलिए अभी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जस्ट हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, बस ये 1 मिनट में राउंड अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4-5 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस। और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमारी अनियन भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है और ये जो इसमें चिकन के पीसेस हैं हम इसको स्पून की हेल्प से ही थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। ये हमने पीसेस ज़्यादा बड़े बड़े रखे हैं, इस वजह से हमको छोटा छोटा थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे अब, और जब तक ये हमारा मटेरियल ठंडा होता है उसके बाद हम अपने सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं। हमने जो चिकन बनाया है बारबेक्यू, ये स्टफिंग हमारी अब ठंडी हो चुकी है और अब हम अपने सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक पैन। पैन को हम प्री हीट कर लेंगे और ब्रेड ले लिया है हमने, इसके स्लाइसेस पर इसको टोस्ट कर लेंगे और इसको हम गोल्डन कर लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कर लेंगे स्लाइस को। आप चाहते हैं तो ऑयल भी लगा सकते हैं या घी, आपकी चॉइस है। ये देखें हमारी एक साइड दोनों स्लाइसेस की गोल्डन हो चुकी है। हम इसे अदर साइड को हमने नहीं करना गोल्डन, बिकॉज हम इसके अंदर जब चीज़ की फिलिंग करेंगे तो उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा टोस्ट करना है। अब हम इसकी संभल कर लेते हैं सैंडविचेस। अब ये जो साइड हमने
टोस्ट नहीं की है उसको हम नीचे रखेंगे। और ये हमारा जो बैटर है इसको स्प्रेड कर लेंगे हम, फिलिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल अच्छी लगती है तो हम नॉर्मल ही करेंगे। ये क्यूकम्बर के स्लाइसेस लेनी है, बिल्कुल थिन से हमें इसको स्लाइसेस को कट करना है। ये ऐड कर देंगे हम, अगेन हम पीस लेंगे और ये रख देंगे इसके ऊपर। अगेन हम फिलिंग ऐड कर देंगे। आप इसे टी टाइम में बनाएं, लंच बॉक्स में ज़बरदस्त टेस्टी हमारे बारबेक्यू सैंडविचेस लगेंगे। चीज़ के स्लाइसेस हमने कट कर लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितने आप ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा ले सकते हैं, कम आपकी चॉइस है। ये चीज़ के स्लाइसेस रख देंगे हम, इस डायरेक्शन से रखेंगे जब हम कट करेंगे तो बड़ा अच्छा सा लुक आएगा फिर इसका। अब अगेन हम जो हमने टोस्ट किया है स्लाइस उसकी साइड हम अंदर की तरफ रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा और टोस्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम पैन में अगेन ऑयल या घी ऐड कर देंगे और ये जो हमारा सैंडविच है इसको बिल्कुल बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे, ताकि हमारी ये जो चीज़ है ये भी मेल्ट हो जाए। इसमें मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखनी है हमें। देखिए थोड़ी देर के बाद हम इसकी अदर साइड भी टर्न कर देंगे ताकि वो भी अच्छी सी गोल्डन हो जाए और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बारबेक्यू चीज़ी सैंडविचेस रेडी टू ईट हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सैलड के साथ सर्व करें, इसके लिए हमने सैलड एक रेडी की है। जस्ट हमने कैबेज और कैरेट को कट करके मेयोनीज 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून क्रीम और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर से हमने इसकी सैलड को बना दिया है और उसके साथ आप इसकी सर्विंग करें सैंडविचेस के साथ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।